जय हिंद एवरीवन। सो आज थोड़ा सा एकेडमी से हटके कुछ व्लॉग है, मतलब मेरा फेवरेट हॉबी हॉर्स राइडिंग। तो बहुत दिन बाद, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने बाद आज हम राइडिंग पे बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर के नज़ारे भी आपको दिखाने की कोशिश करी जाएगी अगर हम कैप्चर कर पाए तो। बाकी फ़िलहाल जोरावर जी एकदम तैयार हैं, ऑन शेडल टाइट, एंड बगल में मेरे को राइडर तो नहीं कहूँगा हमारे जेडी साहब, वार्डन ऑफ ग्लोबल डिफेंस अकेडमी बैला पे, और मैं अपने जोरावर पे। मान सिंह को आज हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मान सिंह के लिए अभी हमारे पास ड्राइवर की कमी है, मतलब राइडर की कमी है। सो चश्मों की तारीफ आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, नए लिए हैं जी। खैर चलिए, तो अभी एक राउंड पहले ग्राउंड का इनको वॉक पे देंगे, उसके बाद फिर बाहर निकालेंगे। चल बेटा बिगड़ रखा है, देखो इसका जो एटीट्यूड है ना एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब राइडिंग देने की इच्छा में नहीं है। बट अभी देखना, 6-7 किलोमीटर राइड करेंगे आज हम, और 6-7 किलोमीटर राइड के बाद इसका जो एटीट्यूड है एकदम चेंज मिलेगा आपको। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर एनर्जी है जो स्टोर्ड हो गई है, 2 महीने चला नहीं है, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा था, अभी मौसम थोड़ा ठीक है। अब लगातार राइड करेंगे दो तीन महीने लगातार, तो डे बाई डे राइडिंग में जो इसका टेम्परामेंट है वो लूज होगा, ये कंफर्टेबल हो जाएगा, और बहुत प्यारा चलने वाला घोड़ा है। बट हाँ, आज थोड़ा सा नखरे में है, बराबर टेंशन नहीं बेटा, हम आराम से चलेंगे, आराम से आएंगे। चलिए लगभग 4 किलोमीटर के आसपास हमारी जो राइडिंग है वो हो गई है। अभी हम यहाँ से वापस लेंगे स्कूल के लिए, तो 4 किलोमीटर ये आए हैं, 4 किलोमीटर वापस जाएंगे। बट आई विल से डेफिनेटली कि इनका जो एनर्जी लेवल है ना आज ज़बरदस्त है, मतलब एक फील हो रहा है खड़े ऊपर बैठ के कि हाँ पावर है। ये देखो, मतलब 4 किलोमीटर चलने के बाद थके नहीं है, पसीना पूरा आ गया इनको। बट अब एक्चुअली ज़्यादा नहीं चला सकते, वैसे हमारा जो एवरेज राइड रहता है, हम हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन राइड करते हैं, और एवरी डे का मतलब एक दिन में लगभग 15 किलोमीटर के आसपास राइडिंग रहती है। बट आज हम 6-7 या 8 किलोमीटर के अंदर अंदर इसको ख़त्म करेंगे। तो अब वापसी के कुछ नज़ारे, राइडिंग हमारी कंप्लीट, जस्ट अभी पहुँचे, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा जोरावर को। अभी मैं आपको जोरावर की ना एक और स्किल्स दिखाता हूँ, इसका एक टैलेंट दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद फिर हम दिखाएंगे कि जो घोड़ा राइड करने के बाद रेस्ट कैसे करता है, मतलब वो कहते हैं रिफ्रेश कैसे होता है। बाकी साथ ही साथ आप मिल सकते हो हमारे भूरे जी से, यही टेक केयर करते हैं हमारे हॉर्सेस की, इनकी देखभाल रख रखाव सब भूरे जी की जिम्मेदारी है। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, राइडिंग का शौक ज़्यादा है। चल बेटा, टेक टेक
टिक 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 शाबाश। ये जो मैंने आपको भी करके दिखाया ना, ये बेसिकली इट्स अ रिस्पेक्ट, मतलब ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने का तरीका है मेहमानों के लिए। एक बार आपको फिर से दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा आ गया पत्थर है, थोड़ा सा आ गया, बस यहाँ बैठिए, बस कुछ नहीं करना, इसको ट्रेनिंग दे रखी है। देखो टिक 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 शाबाश। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। इसकी शटल उतार दो और छोड़ दो। अभी हमने इसको देखो फ्री कर दिया है, इसका शेडल उतार दिया है, इसका जो लगाम है रेंस इसको हम बोलते हैं वो भी हटा दिया है। अभी ये आराम से थोड़ा सा घूमेगा, फिर रेस्ट करेगा, और आपको इसका एक क्लिप मैं दिखाऊंगा कैसे घोड़ा वॉक करने के बाद रेस्ट करता है। ये हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, मतलब घोड़े इतने अच्छे हैं कि एकदम खोला खोलने के बाद भी टेंशन नहीं है, उसके बाद ये लेटेगा, लेटने के बाद सीधा ऑटोमेटिकली अपने रूम में ही जाएगा। ये देखिए, ये लो लेट के साहब। ऐसा माना जाता है कि घोड़ा एक बार अगर लेट जाए तो उसकी जो थकान है पूरी ख़त्म हो जाती है, और उसको दोबारा भी आप फिर राइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो एक बार लेटने के बाद, ऐसा मतलब माना जाता है। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट देखो अंदर से चंगू मंगू उसको हाय हेलो बोल रहे हैं। एक बार फिर से लेटेगा, एक साइड से लेट लिया, अभी सेकेंड दूसरी साइड से लेटेगा, कन्फर्म लेटेगा। ये देखिए एक साइड से लेटा, अब ये दूसरी साइड से लेट गया, अब इसकी थकान पूरी ख़त्म आप मानो। इसी तरीके से हम जो है इसके बाद बैला को छोड़ेंगे, बैला भी फिर लेटेगी। और इनके लिए स्पेशली लेटने के लिए हमने रेत डाला हुआ है, देखो ये, ताकि पत्थर ना चुभे, इनको मज़ा आए पूरा ना इस रेत पे। और सामने हमारे मान सिंह जी, ये देखो हाय हेलो बोलते हुए। थोड़ा सा हमने अपने जो हॉर्स स्टेबल से सबके फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, मान सिंह, बराबर, बैला, चंगू मंगू के फ़ोटो भी नहीं हो लग जाएंगे, ये कुछ स्टेबल्स हैं जहाँ पे घोड़े रहते हैं। अब बैला का टर्न है रेस्ट करने का, ये बैला अपने आप यहाँ पे रेस्ट करेगी, और ये बैला अपना रेस्ट करेगी, और ये देखिए ये लेट गई है, और इधर हमारे जरावर साहब भी घूम रहे हैं। कितना फ्रेंडली हॉर्सेज हैं हमारे, आपस में लड़ते फिरते नहीं है ज़्यादा ये, लेकिन एक जनाब है हमारे जो झगड़ा करते हैं, उनको हमने अंदर रखा हुआ है। अभी बैला उनका इकलौता प्यार है यहाँ पे, हमारे मानसिंह साहब का। ये देखिए एकदम ये लेटने के बाद ऐसा बोलते हैं कि ये पूरा घोड़े का जो थकान है ये लो ख़त्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अभी इस कितना सच है कितना सही है नहीं पता, बट हमें इतना पता है जब जब हम राइडिंग करते हैं राइडिंग के तुरंत बाद ये घोड़े लेटते ज़रूर हैं। तो इसका मैंने क्लिप आपको दिखाया, उधर जोरावर साहब थोड़ा मस्ती में रिलैक्स मोड में घूमते हुए, तो ये रिलैक्स मोड बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जानवर के लिए, इंसान के लिए भी ऑल दो। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये कुछ स्कूल का एक नज़ारा।